दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ड एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। बिना एक्टिवेशन की के आप बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ड एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको चार ऐसे तरीके बताऊँगा कि जिसको करने के बाद में आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको प्ले स्टोर से BOB वर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पे रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आप यहीं से एक डिजिटल सेवन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन टू BOB वर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो मेरे फ़ोन में एक नंबर का सिम है जो मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। उसके बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ और आपके बैंक अकाउंट में जो भी नंबर होगा यहाँ पे आपको शो होगा, आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP जैसे यहाँ पे आ गया हमारे नंबर पे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है, यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे दो ATM कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे आपको दो ATM कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई एक्टिवेशन की नहीं है मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, इसलिए यहाँ पे दो ATM कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक्टिवेशन की कैसे आएगा। जैसे हमारे नंबर पर एक्टिवेशन की आ जाएगा तो यहाँ पर जो ATM कार्ड का ऑप्शन ये हट जाएगा, आपको वहाँ पर एक्टिवेशन की का इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा जो मैं आपको वीडियो के अब आगे दिखाऊँगा। तो यहाँ से आप अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड के थ्रू भी अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड से आप इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग चालू कराने के लिए आप तीन मेथड से तीन तरीके से इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। तो एक तो आप अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको बैंक में जाना होगा और वहाँ से बोलना होगा सर हमको इंटरनेट बैंकिंग चालू करना है, तो वहाँ से एक फार्म देंगे, फार्म को आपको फिल करना होगा और बैंक में सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड को सेंड कर दिया जाएगा। और तीसरे तरीके से आप BOB वर्ड एप्लीकेशन में भी इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगा कैसे आपको मंगाना है। और दूसरा यहाँ पे तरीका है ATM मशीन से, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM मशीन पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिए गए हैं, आप इसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे है तीसरा चौथा ऑप्शन, यहाँ पे जो चौथा तरीका ये है कि ब्रांच से, यानी कि अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है और इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है तो आपको बैंक में जाना होगा, ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना होगा और यहाँ पे बोलना होगा सर हमको मोबाइल बैंकिंग चालू करना है, तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को आपको फिल करना होगा और आपको बैंक में सबमिट करना होगा। तो बैंक वाले जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की को सेंड कर देंगे। तो दोस्तों इस चार तरीके से आप जो है एक्टिवेशन की को मंगवा सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से। तो मैं यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग से एक्टिवेशन की को मंगा के दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग में
लॉगिन हो जाता हूँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग मेरा नाम आ गया है और मैं यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ड, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दो है तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपका नाम मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा और आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग भी ओबी वर्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, हमारे नंबर पर एक्टिवेशन की भी आ गया है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ अपने इंटरनेट बैंकिंग को, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, सक्सेसफुल लॉग आउट हो गया है। उसके बाद पूरा कट करूँगा, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे बी ओ बी वर्ड अप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा, इंग्लिश रहने देता हूँ और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, लॉगिन इन बी ओ बी वर्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिम को कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म, ओ टी पी ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे नंबर पर एक्टिवेशन की आ गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर एक्टिवेशन की का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे दो एटीएम का जो ऑप्शन है वो हट गया है, क्योंकि जब भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की आ जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेशन इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे दो एटीएम का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग से एक्टिवेशन की को मंगा लिया हूँ तो मैं यहाँ पे एक्टिवेशन की को इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेशन की इंटर करने के बाद में आपको टर्म को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको 4 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन को इंटर कर देना है, री इंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पिन बनाना है 4 डिजिट का, यह पिन आपका अलग रहेगा उससे, फिर से री इंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पिन इंटर कर देना जो अभी आपने बनाया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं बी ओ बी वर्ड अप्लीकेशन में लॉगिन हो गया हूँ, रजिस्टर हो गया हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग चालू करना है बी ओ बी वर्ड अप्लीकेशन सर्विस रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बी ओ बी वर्ड यूजर ऑलरेडी रजिस्टर आर रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि मैं इंटरनेट बैंकिंग को पहले से रजिस्टर हूँ तो इसके लिए इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से भी आप इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं अपने बी ओ बी वर्ड अप्लीकेशन से। तो दोस्तों इस तरह से आप 4 तरीके से एक्टिवेशन की को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मंगवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए।